दोस्तों आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज हो चुका है और इस मैच में टीम इंडिया की नजर लगातार पहले T20 मुकाबले में जीतने के लिए बनी हुई है और मैच की क्या लाइव अपडेट चल रही है और साथ में ऋषभ पंत की कप्तानी में कैसा प्रदर्शन टीम कर रही है भारत की, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पहला T20 मुकाबला आज कौन सी टीम जीतेगी, भारत की टीम या फिर साउथ अफ्रीका की टीम? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मैच देखने के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब शुरू हो चुका है, जहां T20 क्रिकेट में दोनों ही टीमों के प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा अगर ओवरऑल T20 मैचेस में देखा जाए तो काफी ज्यादा भारी है, लेकिन अगर भारत में हुए T20 मैचों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भारत की टीम पीछे रहती हुई नजर आती है। दरअसल आइए पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत में जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मुकाबले खेले गए हैं वो 4 मैच हुए हैं और 4 में से भारत की टीम मात्र एक मैच को जीतने में ही कामयाबी पा सकी है और साउथ अफ्रीका की टीम को भारत की पिच रास आई है और जिसके चलते वो 3 मुकाबले इस दौरान जीत चुकी है। तो वहीं अगर ओवरऑल T20 मैचों की बात की जाए जो भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच हुए हैं उसमें कुल मिलाकर 15 मैचेस खेले गए हैं, 9 में भारत ने जीत हासिल करी है और 6 मैचों में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत मिली है। तो ऐसे में आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या आंकड़े हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच रोमांचक T20 मुकाबला आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो, जहाँ आप सभी को इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग अगर ऑनलाइन देखनी है तो हॉटस्टार ऐप का आप सभी उपयोग कर पाओगे। तो वहीं दोस्तों आज के मुकाबले का टॉस जो होगा वो आज 6:30 बजे करवाया जाएगा और मैच ठीक सीधा 7 बजे आप सभी को दिखाई देने वाला है। तो वहीं दोस्तों आज भारतीय टीम ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरने जा रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि केएल राहुल के टीम से बाहर हो जाने के बाद आज ऋषभ पंत कैसी कप्तानी करेंगे और क्या वो टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारत की टीम के उपकप्तान अब हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। तो आइए अब आपको जल्द से जल्द बताते हैं पूरी मैच की लाइव अपडेट जानने से पहले प्लेइंग 11 टीम। तो जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हो कि भारत की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को मौका दिया जा रहा है। तो वहीं तीसरे नंबर पर आप सभी को सरेश अय्यर अब खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, उनकी जगह पर वेंकटेश अय्यर को आज ऋषभ पंत ने मौका दिया है। तो वहीं चौथे नंबर पर ऋषभ पंत हैं खुद जो कि कप्तानी और विकेट कीपिंग की भूमिका निभाएंगे। पांचवें नंबर पर दिनेश कार्तिक, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, फिर अक्षर पटेल का नाम सामने निकल कर आता है, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक आप सभी को आज टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगर साउथ अफ्रीका की टीम की, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से उतरी है टीम उसमें क्वेंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, रस्सी वेंडर ड्यूसेन, टेम्बा बबूमा, एडन मार्करम, ड्वेन प्रिटोरियस, कगिसो रवाड़ा, डेविड मिलर, केशव महाराज, तबरेज शम्सी और एनरिक नॉर्किया को मौका दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में हर किसी की नजरें ईशान किशन, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और रिजा हेंड्रिक्स के ऊपर होगी और आप सभी ये खिलाड़ी आज अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज के इस रोमांचक मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार आज कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।